प्रोग्रामिंग इन सी, तो आप देख सकते हैं ये एक आपकी बुक है, ये प्रोग्रामिंग इन सी की बुक है, या आप कह सकते हैं डेटाबेस इन सी, और ये आपको डुअल लैंग्वेज में है, और हम ये कोर्स जो है आपके लिए फ्री में लेके आए हैं, और ये कोर्स आपके लिए डुअल लैंग्वेज में है, आपको इसमें बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, तो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो या कोई भी आपका इसमें सवाल हो या कमेंट हो, तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, या सी प्रोग्रामिंग का अस्तित्व कहाँ से आया, और हमें सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी चाहिए, या इसकी नीड क्या है। तो अब सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ये एक जनरल पर्पज़ और प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज क्या है, और ये कैसी लैंग्वेज है, और इसका यूज़ क्या है, और कंप्यूटर में इसका क्या यूज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है कि हमें मशीन की लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि जो मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है जीरो एंड वन के फॉर्म में, और जो हमारी लैंग्वेज होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको आप बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज, या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये अलग अलग कुछ टर्म्स होते हैं। तो जो सी लेवल लैंग्वेज होती है, या सी लैंग्वेज है, ये आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये कि इसके सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो पहले राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर वहाँ से राइट जाना है, तो इसमें ये क्या है, आपको सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और आप जब सेट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सी लैंग्वेज है, ये प्रोसीजर लैंग्वेज है जो कि डेनिस सिप्ची द्वारा इसको बनाया गया था, और ये आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते समय ये लैंग्वेज जो है आपकी डेवलप हो गई थी, और ये 1972 में डेवलप हुई थी। और ये लैंग्वेज जो है लगभग सेम है जावा लैंग्वेज की तरह, और इसका जो लोकप्रियता है वो जावा और सी की जो है, ये नेम एंड फेम, ये दोनों का ऊपर नीचे होता रहता है, कभी इसका ज़्यादा है, कभी उसका ज़्यादा है, लेकिन ये एक बेसिक लैंग्वेज है, और अगर आपने इसको अच्छी तरीके से सीख लिया तो आप आगे चल के कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज सीख सकते हैं। और इस समय जो मार्केट में सबसे ज़्यादा क्रेज चला है वो चला है जावा का, क्योंकि सभी मोस्टली प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, वो जावा प्लेटफॉर्म्स पर ही चीज़ें बन रही हैं, तो इसके लिए आपको सी लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने ये लेक्चर डिज़ाइन किए हुए हैं, ये इसी में स्टेप बाय स्टेप ये कुछ प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं। अगर आप ये एक बाई एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, और अगर जो चीज़ नहीं आ रही आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। और ये जो भी लेक्चर डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ये जो आपके कुछ आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो उनके गाइडलाइंस अकॉर्डिंग डेवलप किए जा रहे हैं। तो आप अगर किसी कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपको ये फर्दर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए, वाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग। तो आप देख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए एक महान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के लिए जरूरी है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और अगर आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये आनी चाहिए। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, ईजी टू लर्न, सीखने में बहुत ईजी है, आसान है। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ कि इसका एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी का एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है कि ऊपर सर होता है, फिर बीच में मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी होता है, और फिर नीचे पैर होते हैं, और साथ में दो हाथ होते हैं। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, और अगर आप चाहे इंडिया में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, जर्मनी में जाइए, कहीं भी जाइए, तो हर जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सबका सेम मिलेगा। बस डिफरेंस कहाँ पे हो सकता है, किसी का कलर साफ है, किसी का डार्क है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, वो सेम रहेगा। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है, जैसे ऊपर डिक्लेरेशन होता है, फिर एक आपका मेन प्रोग्राम होता है या मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और वहाँ से डेटा सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आपके नीचे डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो ये आपका एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स, ये कुशल प्रोग्राम्स तैयार करता है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एफिशिएंट प्रोग्राम्स तैयार कर देती है लैंग्वेज, कि आप बहुत बड़े बड़े टास्क को बहुत ही आसान और छोटे तरीके से आप कर सकते हो। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़, ये आपकी निम्न स्तरीय गतिविधियों को भी कर सकती है, जैसे लो लेवल गतिविधियां, मतलब कि जैसे बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं जो आप नहीं कर सकते, वो ऑपरेशन भी इस लैंग्वेज के माध्यम से किए जा सकते हैं। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, इसे विभिन्न कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पर संकलित किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो आपकी है, ये आपकी बहुत सारे कंप्यूटर के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें आपकी ये कंपाइल की जा सकती है, जैसे आपकी टैबलेट में की जा सकती है, डेस्कटॉप में की जा सकती है, लैपटॉप में किया जा सकता है, और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिसमें ये किया जा सकता है। अब कंपाइलेशन क्या होता है, कंपाइलेशन मतलब होता है रन करना, किसी भी प्रोग्राम को बनाना और रन करना, और ये दो तरीके से रन होता है, कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कर देना, और एक मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करना और चेक करना उसका आउटपुट। फैक्ट्स अबाउट सी, सी के बारे में कुछ फैक्ट्स। सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। तो सी जो बनाई गई थी उसका मेन उद्देश्य जो था वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स को बनाने के लिए जो था वो सी लैंग्वेज को बनाया गया था। सी इज सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज विच वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड द अर्ली 1970। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1972 में तो सी लैंग्वेज बनी थी, लेकिन 1970 जो था उसमें बी लेवल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रभाव था, मतलब जो बी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा यूज होती थी, लेकिन उसका जो एडवांस वर्जन आया वो सी लैंग्वेज आया, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आज भी यूज हो रहा है, जिसको आप सी या सी प्लस प्लस भी आगे चल के बोल सकते हैं। द लैंग्वेज वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो अब कई बार आप इसका नाम सुनेंगे एनसीसी, तो ये कुछ नहीं है, जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, एनसी है, उसके द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी। द यूनिक्स ओएस वॉज टोटली रिटन इन सी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है यूनिक्स, ये आपका सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, इसीलिए ये एक बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप देखें, लाइनक्स एंड यूनिक्स आर द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
टुडे सी इज द मोस्ट वाइडली यूज एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो सी लैंग्वेज है वो आज के युग की सबसे ज्यादा पॉपुलर और बहुत धड़ल्ले से यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इंप्लीमेंटेड यूजिंग सी। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी संरचना है, वो सी के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कितना भी उसके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज वेरी मस्ट इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये 100% आनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पहला प्रोग्राम है, अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं कुछ करते हैं तो वो आपको सबसे पहले एक प्रोग्राम सिखाएगा हेलो वर्ल्ड क्लिक के, क्योंकि एक पेट प्रोग्राम है तो आपको भी ये प्रोग्राम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं हमने इसमें स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, आप जल्दी किसी भी जगह पे स्क्रीनशॉट इसका नहीं देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, फिर उसके बाद बैक स्पेस स्टार माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी स्टार, फिर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और फिर गेट सी एच, और फिर ये लगा दिया हमने, ये ब्रेसेस क्लोज किए हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल और F9 किया, तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया और हमारे स्क्रीन पर जो आउटपुट आया वो हमने बगल में लगाया, देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड इसमें स्क्रीन पर आप आउटपुट भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली है क्या, ये कंप्लीटली क्या है, हमने इसमें प्रोग्राम लिखा स्क्रीन में और हमने उसमें रन किया। तो क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपका सी कंपाइलर में रन होता है। सी कंपाइलर जो है आप या तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके CMD के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप टर्बो सी डाल सकते हैं। टर्बो सी ज़्यादा जो यूजर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा इजिली यूजेबल होता है, इसलिए हमने टर्बो सी में सारी प्रोग्रामिंग की है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाद में हम आपको हर हर प्लेटफॉर्म में इसको सिखा देंगे। अब इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जैसे हमने आपको बोला था कि ये एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, तो आप देख सकते हैं जो भी फाइल्स आपको इंक्लूड करनी है, जो भी लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करनी है, आप सबसे ऊपर करेंगे, उसके बाद आपका होगा वॉइड मेन, ये आपका मेन फंक्शन कॉल होगा। इसके अंदर आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जैसे गेट सी एच फंक्शन को कॉल कर लिया, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लिया, तो आप इसके अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और ऊपर क्या है, लाइब्रेरी है, तो आप देख सकते हैं। अब वॉइड मेन जो इसमें लिखा हुआ है, वॉइड मेन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वॉइड मेन में हम किसी वॉइड का जो आउटपुट होता है वो कुछ भी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, मतलब ये जो वॉइड फंक्शन होता है ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर आप इसकी जगह इंट लिए होते तो ये क्या करता, कुछ वैल्यू रिटर्न करता, तो आपको यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखना पड़ता। तो कई बार होता है इसमें कि इसमें रिटर्न लिखा होता है, रिटर्न जीरो, और ऊपर लिखा होता है इंट मेन, तो आप उसको भी समझ लीजिए, उससे रिलेटेड भी हमने इसमें एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का क्या मतलब है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का मतलब है इसमें हमने एक फाइल इंक्लूड की है स्टूडियो डॉट एच, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड है और उन फंक्शन को हम इसमें कॉल कर सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ जो फंक्शन है, ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो स्टूडियो डॉट एच के अंदर लिखा गया है कि जहाँ स्टूडियो डॉट एच लिखा होगा तो वहाँ पर क्या करना है, इसकी डेफिनेशन डिफाइन की गई है। तो हमने जब इसको कॉल किया वॉइड मेन के अंदर, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, फंक्शन को जब कॉल करेगा तो इसकी डेफिनेशन स्टूडियो डॉट एच से आएगी और फिर ये अपना परफॉर्म कर देगा फंक्शन। अब गेट सी एच एस फंक्शन है वो सेम वे में कोनियो डॉट एच में परफॉर्म किया गया है। अब अगर हम इसमें गेट सी एच ना लिखें तो क्या होगा, अगर गेट सी एच आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपका ऑपरेशन तो परफॉर्म हो जाएगा लेकिन आप उसका रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जैसी आउटपुट आया और स्क्रीन वापस यही सेम आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को होल्ड करना है। स्क्रीन होल्ड कब तक करना है, जब तक आप कोई भी इनपुट ना करें। तो इनपुट जब तक नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा इसमें फंक्शन कॉल करना है जो इनपुट लेने तक का इंतजार करता रहे आउटपुट में। तो हमने क्या किया, गेट सी एच कर दिया, वो आपका इनपुट का इंतजार करता रहेगा और जब आप इनपुट को ये दे देंगे तो ये क्या करेगा, उसका स्क्रीन को रिलीज कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमने ये इसमें बनाया हुआ है और इसका सेम जो है, हमने इसका जो वीडियो लिंक है वो भी स्क्रीन में शेयर किया हुआ है, आप हमारे जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं उसमें जाके देख सकते हैं हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बनाया है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे के सारे के प्रोग्राम्स आपको इजिली अवेलेबल हो जाए। अब एप्लीकेशन ऑफ सी, जो सी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम आती है, जैसे यूनिक्स हो गया, लैंग्वेज कंपाइलर भाषा संकलन करने के काम में आती है। तो ये क्या करते हैं, सी का कंपाइलर होता है जो आपका ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर भी आपका ट्रांसलेट ही करता है। टेक्स्ट एडिटर जो होता है, इसमें आप कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। प्रिंट स्पूलर्स, इसमें आप प्रिंटिंग भी कर सकते हो। नेटवर्क ड्राइवर्स के आप इसमें जो आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो, मॉडर्न प्रोग्राम्स लिख सकते हो। डेटाबेस इसमें बना सकते हो, इसमें लिंक लिस्ट होता है, इसमें एरे होता है जो खुद अपने आप में डेटाबेस होते हैं। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते हैं, इसमें इंटरप्रेटर्स भी होते हैं, इसकी यूटिलिटीज भी होती हैं। ऑडियंस श्रोता, तो इसमें क्या है कि जो सी प्रोग्रामिंग है ये बहुत सारे डेवलपर्स द्वारा यूज़ की जा रही है और अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको सी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब हम ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसको अगले दिन कवर करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।